छोरा शहर की गोरी शीस हाँ शीस मिलो मिलियन महा लड़ा की खोपड़िया ठन ठन तो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली रब हुआ वो कागज जब हुआ ओ हाय रब हुआ कागज जब हुआ जब 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 हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब लव हुआ। हमने आपको कहीं देखा है? आप मुंबई के? हम तो यहाँ के हैं। उनकी घरवाली पगला गई हो क्या? भाई हमारी कोई घरवाली वरवाली नहीं है, तो सरफरी पगलेट है। घरवाली नहीं है तो कौन है आप? अरे कौन क्या, मेमनी है ये? मेमनी? वो क्या होता है? वो कभी प्यार से हमें ऐसे ही पुकारते हैं। प्यार से? अरे सवेरे सवेरे क्या खा लिया तुमने, क्यों गला पड़ लिया हमारे? अरे जब तक गांव में आई है। अरे ठीक है भाई ठीक है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। अरे हम तो आए थे सिर्फ माफी मांगने। क्या कि थोड़ी सी कहां सुनी हो गई हमारी अम्मा और आपकी घरवाली के बीच। भाई अब माफ भी कर दो इनको, वैसे लगता है तुम बहुत गुस्से में हो इनसे। हाँ सही समझा आपने, हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें किसी से बात नहीं करनी। देखिए, अरे रहने दीजिए, इसके मुंह मत लगिए आप। हम तो कहते पकड़ के अंदर कर दीजिए, हम पे और हमारे गांव पे बहुत आसान होगा आपका। सुनिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना, अब तो माफ कर दीजिए। अच्छा भाई देखो, हमने बिल्कुल ठीक पहचाना था। अरे शादी हमने नहीं की है तो क्या हुआ, और आपने खूब सारी देखी है। काम करो, इनको माफ कर दो, चलो। अच्छा ठीक है, माफ करते हैं तुम्हें मिमनी। हाय राम, मिमनी? ये हमें कभी ऐसे ही बुलाते हैं, प्यार से। प्यार से? अरे कहीं गांव के कपड़े पहनते ही कोई चुड़ैल तो नहीं चिपट गई तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं जी, ये जोड़ा तो हमें शादी पे मिला था, याद नहीं है का? शादी? किसकी शादी? हमारी। ननमुन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे इन दोनों के लक्षण शादीशुदा जोड़े जैसे नहीं लगते। सुनो जी, लोग काका कह रहे हैं हमारे बारे में, अब तो अपना लीजिए, वरना आज ही मैम सब ये कह रही है, कल पूरा गांव ये कहेगा। सुनिए भाई साहब, आप ही कहिए ना इन्हें, हम इतने बुरे हैं कि ये हमें माफ ही नहीं कर सकते। देखो दोस्त, अब तुम हमारी भलाई को सताना बंद कर दो बस। अरे यार दिलों के मेल का मेला है, जाओ मेले में संग संग घूमो, ये क्या लड़ाई झगड़ा लेकर बैठ गए? और वैसे भी घर के झगड़े घड़ी में रहे तो अच्छा है। सही कह रहे हो तुम, इससे तो हम बाद में निपटेंगे, आप जाइए मेले का मजा लीजिए। हाँ हाँ चलो यहाँ से, कब तक इनके झगड़े में पड़े रहेंगे? पंडित जी ने तुम्हारी फोटो मंगवाई है, चलो यहाँ से। प्रणाम भौजाई। हाँ प्रणाम। इसलिए मैं कहती हूँ कि कम पिया करो, और इसलिए मैं कहती हूँ आन्या को आप कंट्रोल कीजिए, अब वो हमारे हाथ से निकल चुकी। हाथ से तो तुम सब निकल चुके हो, अब तुम दोनों एक काम करो, यहाँ चले जाओ, और जब तक मैं नहीं कहती वापस मत, समझे? नो कम। मैं ओके, चलो 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 चलो। वाओ, ही स्ट्रांग थी, मुझे पता ही नहीं था। मॉम, नहीं सच में ईशा, अरे मुझे
दिन में भी कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप अंधेरे में पी रहे हो इसीलिए। नो यस नाउ स्टॉप इट प्लीज। ईशा एक काम करते हैं, अब यहाँ इन तारों के बीच में घूमते रहते हैं। प्लीज अब बंद करो, सिट डाउन, लेट्स सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आहा फटाफट फोटो जननमुन, फटाफट फोटो खिंचवा ले, हम यही है। अम्मा इस उम्र में कोई अकेले फोटो खिंचवाता है क्या? अरे तो हम क्या करें, किसने कहा था इस उम्र तक कुंवारे बैठे रहने को है? आप घबराइए नहीं, हम है ना। क्या मतलब? मतलब कि एक बार जो हम खींच देंगे ना इनकी क्या फोटो, तो हो जाएगा इनका बंटाधार। पूरे मेले में मशहूर है कि एक बार जो वीरू भाई के हाथों फोटो खिंचवा ले तो उसकी हो जाती है चट मंगनी और पट ब्याह। अच्छा तो जा ननमुन फटाफट फोटो खिंचवा ले। आओ ननमुन, आओ आओ ननमुन, आओ आओ, आइए आइए आइए, कैटे आइए। ऐसी फोटो खींचेंगे कि दुनिया याद रखेगी आपको। फिलहाल आप एक बात याद रखिए, हम बंबई से आए, नाम है इंस्पेक्टर पाली। अच्छे अच्छों की तस्वीर खींच कर दीवार पर टंगवा देते। वैसे हमें वीरू भाई कहते हैं, जात से हमें सक्सेना और अच्छे बुरे में फर्क नहीं करते, सबकी फोटो खींचते हैं और फ्रेम में लगा देते हैं। आप अपना चेहरा बना लीजिए, ये लीजिए कंघी। इसकी जरूरत नहीं है। तेरा काला तो दिख रहा है। ओह क्या? वो रंगीला रख गया होगा, आप रख दीजिए मैं पी लूंगा बाद में। बड़े रंगीन आदमी है। आइए तैयार हो जी, थोड़ा सा स्माइल कीजिए। अरे फोटो खींचिए आप। नहीं नहीं थोड़ा स्माइल कीजिए। आवाज कैसी थी? वो कैमरा चलेगा तो आवाज आएगी थोड़ी सी। ए मैमनी कहाँ भागी जा रही है, सुनो जरा। क्या है, क्यों पीछा कर रहे हो? अरे वाह रिश्ता जोड़ा तुमने, दोष हमारे चरित्र पे। अरे मैमनी एक बात बता, हमारी शादी कब? अच्छा चलो ये बता दो कि फेरे किसने कराए, हमारे पंडित जी ने? लिसन वो एक मजाक था, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो रहने दो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। हमें पता था कि दाल में कुछ काला है, वरना अपने आप को शेर नहीं समझने वाली बड़े साहब के सामने चूहिया बन के घूंघट में काहे दुबकेगी? पीछा छुड़ाना है ना। हाँ छुड़ाना है पीछा, तुमसे भी और तुम्हारे इस गांव से भी, इसलिए छुप रही हूँ। तो फिर छुप काहे रही हो, इस गांव से भागना है ना तो भागो, मजा आला, यहाँ कोई रोक ले तुम्हें। रोकेगा रोकेगा रघु, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और मुझे ढूंढने जाएगी जीडी उस इंस्पेक्टर के पास। ओ तो ये चक्कर है, मतलब बड़े साहब तुम्हें पहचान न ले इसलिए घन चक्कर बना रही होने। हाँ और रघु प्लीज तुम इस बात में मेरा और साथ दो। साथ तो हम ऐसा देंगे मेमनी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि असल बात तो अभी भी घुमा रही है तुम। अरे सोच क्या रहे हो, चलो ना मुझे गेट तक छोड़ाओ। वो हम सोच रहे थे कि अगर बड़े साहब ने हमसे दोबारा पूछा कि हमारी घरवाली कहाँ है तो क्या कहें, भाग गई शहर को वापस। हाँ हाँ कह देना शहर वापस चली गई। भौजाई एक मिनट, आपकी शक्ल, आप तो कह रही थी कि आप शहर वापस जा रही हैं। शहर जाने का हमारा का नसीब, हम तो यूं ही इन्हें सुना सुना कर अपना अरमान पूरा कर रहे थे, वरना हम यहीं जिएंगे और इसी गांव में मरेंगे। हाँ आपकी शक्ल बहुत मिलती है किसी से। देखिए जी ये जो कुछ भी हो हमें इनका घूमना अच्छा नहीं लगता, आखिर हम शादी शुदा औरत हो यही ना। हाँ अरे भौजाई आप तो गलत समझ रही हैं हमें, हम तो बस सुलह करवाना चाहते हैं आप दोनों में। काहे? क्योंकि हमें छोड़ के भाग रही थी ना तुम, इसीलिए। अरे इसे आता ही क्या है, पिछले जन्म के पाप है बेटा जो तू भुगत रहा है। अरे घर के काम काज तो क्या ही करती होगी,
बिल्कुल सही कह रही है मौसी, कुछ नहीं करती है काम चोर। अच्छा पूजा के फूल किसने तोड़े थे, मटकों को किसने सजाया था, सिलाई किसने की थी, तुमने? अच्छा अगर इतना ही दावा कर रही है तो वहाँ सामने उपले बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, भाग लो और जीत के दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है, इसमें क्या है? बिल्कुल सही, अगर तू ये सब काम कर लेती है तो गोबर के उपले बनाने में क्या धरा है। अरे जरा हम भी देखें। गोबर के, अरे जाने दे अब तू क्या देखेगी। अरे हम भी तो देखेंगे, कितना कहना मानती है हमारी घरवाली। अगर असल गांव की छोरी है तो जा गोबर के उपले बना, चल। रघुवीर देखो दोस्त, बुरा मत मानना, हमको ऐसा लगता है कि हमने भौजाई को पहले कहीं देखा है, मतलब शहर में कहीं देखा है। ये बताओ कभी शहर में गई थी क्या? ये शक्ल तो क्या, मुझे तो इसके लक्षण भी गांव के छोरियों जैसे नहीं लगते। देखो जी, हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, हम यही गांव के हैं, यही जिएंगे और इसी गोबर में मरेंगे। तुम्हारे सेव आनिया मिशन के लिए क्या पता है यार, मैं थोड़ी ना इस गांव का रोज अप डाउन करता हूँ। गांव मिल जाएगा, आनिया मिल जाएगी। ए कौन है? धोती, धोती। अर्जुन वो तो उम्मीद की किरण। हाय अर्जुन, नेवर माइंड। आओ बच्चे, चॉकलेट खाओगे? बहुत अच्छी है। इसे आपने कहीं देखा है? अरे ये तो शेरी में भी है, ठाकुरान की पोती। ठाकुरायन? यू मीन चोले वाले ठाकुर की ठाकुरायन? अबे ठाकुर, इससे पहले कि मैं गब्बर बन के तेरे को ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगी? हमारे गांव के लोग मेले में मिलेंगे, शायद ये भी वहीं मिल जाए। मेला, मेला। चलो चलो। अरे तुम तो मिला, क्या कर रहे हो? मैंने अंदर रुकने के लिए कहा था। चिड़ी वहां बाली आया था। चलो चलो। कहाँ? हवेली पे। और कहाँ? चलो। लेकिन आनिया, सारा मेला छान लिया, आनिया मिली नहीं, लगता है वो हवेली पे चली गई होगी। चलो लेट्स गो, चलो 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 चलो। आई होप वो पहुंच गई हो। देखा बड़े साहब, हमारी घरवाली कितनी होशियार है। वैसे आपकी घरवाली नहीं आई आपके साथ? आई है, अभी हमारे साथ नहीं है। हम बस अभी आए हैं। Oh, oh, oh.
न जान न पहचान, हम तुम्हारी भाग्यवान। शटा, ये देख रहे हो ना मेरे हाथ में क्या है? एक बार मुंह पे फेंका ना तो महीनों तक बदबू नहीं जाएगी। अरे जाओ, हम तो इस गोबर की खुशबू में पले बड़े हैं। अपने आप को देखो, डूबी हुई हो गोबर। तुमने मुझे जानबूझ के भेजा ना उपले बनाने? तो तुम्हें क्या लगा कि गांव वाले की घरवाली बनना बहुत आसान काम है? देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मत छोड़ो, लेकिन गोबर तो छोड़ दो। बस और नहीं सह सकती तुम्हें, तुम्हारे गांव को और इस गोबर के उपले को। तुमको अपनी पसंद दिखाएं? चुप कर, जो लड़की मैंने तेरे लिए पसंद की है तू देख उसे। अम्मा काहे जिद कर रही हैं आप? अब देखो ना, इंसान कोई रोज रोज शादी थोड़ी ना करता है। जभी तो मैंने तेरे लिए अच्छी तरह से देख परख के लड़की चुनी है। हाँ बहनों, इस बरस की उपले बनाने की प्रतियोगिता जीती हैं गहना। गहना यहां आओ और अपना इनाम ले लो। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती शुक्ला से कि वो यहां पधारे और अपने हाथों से गहना को ये इनाम दें। शाबाश गहना, बहुत बढ़िया। भाइयों बहनों, हम गहना की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हमार बिटिया है, बल्कि हमको तो मान है कि हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली पिता हैं। अब बोलो, है ना तेरे बेटे की पसंद कमाल की? अरे बेटा किसका है? बस इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती तुम्हारी आनिया। आज से पहले किसी श्राफ ने गोबर तक नहीं देखा और तुमने उसे छुआ है। आई सुगंध गांव की, जितना भी धो लो गांव की खुशबू नहीं जाने वाली। अरे गांव का जादू चल गया तुम पर, मिलनी पूरी की पूरी गांव वाली लग रही हो। अरे इससे क्या होगा? एक बात बताओ, आज हमने तुम्हें जो जो कहा तुमने वो किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बड़े साहब से क्यों डर रही हो? कोई चोरी डकैती तो नहीं की कहीं शहर में? अरे भैया रघुवीर, बस भी करो, अब क्या भौजाई को डांटते ही रहोगे? अब देखना अगले साल उपला बनाने की प्रतियोगिता में भौजाई का पहला नंबर आएगा। और वैसे भी ये उपला बनाना ये सब तो छोटी बात है, जो तुमने कहा था वो सही है ना, भौजाई खाना तो अच्छा बनाती है। अरे हाँ हाँ, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अगली बार जब आप गांव आएंगे तो हमारे घर जरूर आइए, गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाएगी। अरे जरूर आएंगे, तुम भौजाई खिलाएंगे ना? हाँ जरूर। क्या बात है रघु, मान गए भैया, अब गांव वाली बना दिया इनको। गांव वाली मतलब गांव की छोरी? हाँ मतलब कि बहुत अच्छी लग रही हैं ये, और ऐसे कपड़ों में पहली बार देखा है ना इनको। पहली बार? हाँ हाँ, हम रोज साड़ी पहनते हैं ना, आज मेला है इसीलिए। तब तो रोज रोज मेला लगवा देंगे, पर आप ऐसे ही खूबसूरत दिखा कीजिए। हे भगवान, अब यही कसर बाकी रह गई थी। क्यों रे, तू चुपचाप बैठा सुनता रहेगा जबकि पराए लोग तेरी घरवाली से छेड़छाड़ करेंगे? घरवाली? अरे अम्मा ये किसी की घरवाली नहीं है, यही कहोगे ना तुम? हम जानते हैं।
अरे हर बात में टांग अड़ाने की आदत है इसकी तो। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिले से तुम्हें क्या मतलब? और जो इतनी बातें कर रहे हो, जब हमारा गन्ना चोरी हुआ था तो कहाँ थे तुम बता? चोरी कब हुई थी? चोरी तुमने रिपोर्ट लिखवाई थाने में? पुरानी बात है साहब, अब वैसे भी इसको राय का पहाड़ बनाने की आदत है। बात बढ़ाने की क्या जरूरत है, अब जाइए ना। ठीक है, आप कहते हैं तो चले जाते हैं। आप लोग घूमिएगा। मिला ये क्या था? मुसीबत। क्या मुसीबत तो होगी अगर घर का झगड़ा सबके सामने करोगे। फिर झगड़ने लगी अपने बस के साथ। ओहो ननुन, चलो बेटा अब अंधेरा होने वाला है। अरे इसकी बातों में रहे तो। और रघु, तू कुछ दिनों के लिए अपनी घरवाली को मेरे पास भेज दे, मैं इसे ठीक करके भेजूंगी। हाँ। हम तो कहते हैं अभी ले जाओ। ए, हमारा आदेश है, तुम मौसी के साथ उनके घर जाओ और कुछ घर का काम सीख के आओ। आप बस हमें अपने पिताजी के घर भेज दीजिए। अरे भौजाई, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग चलते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की। अब एक मिनट अम्मा भौजाई, हम खाने पे आएंगे जरूर है। हाँ। वादा रहा। चल चल चल। चलिए पीते तो बांध ले बेटा, पाँव में फंसेंगे और गिर जाओगे तुम। जब लव हुआ।